ईद के मद्देनजर शनिवार को नखास चौक और शाहमारूफ की गली में सेवइयों की दुकानें सजी रहीं। इस दौरान दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए 6 फीट की दूरी बनाए रखें और बिना मास्क के दुकान पर सामान नहीं मिलेगा का पोस्टर चिपका पाया गया। ईद के त्यौहार पर लॉकडाउन का पूरा असर दिखा और मार्केट में ग्राहक नजर नहीं आए, दुकानदारों के चेहरे उतरे दिखे। इस संबंध में सेवई विक्रेता दुकानदार रेहान खान ने बताया कि ईद पर हर साल की तुलना में लॉकडाउन की वजह से 60% ग्राहक मार्केट से गायब हो गए, क्योंकि लॉकडाउन लंबे समय से बना हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रेहान खान, सहबान रफीक, अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने कहा। ये 130 रुपये डब्बा है बाबा। लो साहबान, इस थोड़ा दिक्कत हो रही मार्केट में, जनता चल नहीं पा रही है, माल फंसा हुआ, इस समय माल निकल ही नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से सब अपने अपने घरों से आ रहे हैं। देख रहे हैं सन्नाटे में इस समय मार्केट कैसी है। इम्तियाज जी, इस समय क्या स्थिति है बिक्री जी? बहुत ढीला है। सुबह से अब तक कितना बिका? सुबह से बहुत ज़्यादा बिका हुआ, 8-10 किलो बिका हुआ। हमारा नाम रफीक अहमद है। अब इस समय जहाँ 1 किलो सेवई लेते हो वहाँ लोग आधा किलो ले रहे हैं, खोआ मिल नहीं रहा है और हर साल की तरह इस सफेई तो बिकी रही है। मार्केट एकदम सन्नाटा है। सवेरे 5 बजे से हम लोग दुकान लगाए हैं, देख ही रहे हैं आप दुकान की हाल। कस्टमर बाहर से आ ही नहीं पा रहे हैं, जाए गाँव शहर से जो भी है मोहल्ले की दुकानदारी है। इस समय मोहम्मद इब्राहिम, ठीक है, स्थिति बहुत बढ़िया है। लॉकडाउन में क्या है कि माल महंगा मिल रहा है, महंगा बेचा जा रहा है। बिक्री के लिए ग्राहकों की स्थिति क्या है? ग्राहकों में कोई कमी नहीं है, वही है बिक्री जो पहले थी वही आज भी है जी। हमारा नाम रेहान खान है। देखिए, ईद को देखते हुए जो जिस प्रकार से हम लोग ग्राहक थे उस प्रकार से तो समझ लीजिए 60% ग्राहक मार्केट से गायब हो चुके हैं। चूँकि लॉकडाउन काफ़ी लंबा चला है, जिसकी वजह से हर आम आदमी के पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। जिसको 5 किलो चाहिए थी वो 1 किलो में काम चला रहा है। ज़रूरत के हिसाब से लोग अपना काम चला रहे हैं। चूँकि हम लोग भी बच बचा के प्रशासन के हिसाब से जैसा नियम कानून हम लोगों को बनाया गया है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। होम डिलीवरी हो तो 1 किलो अब हम लोगों के पास फ़ोन आ रहा है, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से काफ़ी व्यापारी हम लोगों के टूट चुके हैं अभी इस वक्त।